हेलो एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़ पेपर पी आई बी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज सो लेट्स बिगिन आवर सेशन और फर्स्ट टॉपिक इज कंपटन कमीशन ऑफ इंडियाज़ रोल जो कम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है इसके बारे में हम जानेंगे पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल को इंश्योर करने के लिए जो फेयर कंपटीशन है भारत में रैपिड टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक चेंजेस को लेके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेटूटरी और क्वासि जुडिशियल बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत इसको स्टेब्लिश किया गया था कंपटीशन एक्ट टू के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट और इसको ड्यू कंस्टिट्यूट किया गया था मार्च टू में इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये इंश्योर करता है मार्केट का जो बेनिफिट है उसके कंज्यूमर्स को इम्प्लीमेंट करता है कंपटीशन पॉलिसी को एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए फास्ट फॉस्टर करता है फेयर और हेल्दी कंपटीशन को इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ये इंश्योर करता है कि अलाइनमेंट हो सेक्ट्रल रेगुलेटरी लॉ का कंपटीशन लॉ के साथ इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेट करता है नेगेटिव इफेक्ट को कंपटीशन के लिए ये रेगुलेट करता है मर्जर को ताकि प्रिवेंट किया जा सके मार्केट कैप्चर को एलिमिनेट करता है एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस को और रेगुलेट करता है कॉम्बिनेशन को अंडरटेक करता है कंपटीशन एडवोकेसी को क्रिएट करता है पब्लिक अवेयरनेस और प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है ओपिनियन को कंपटीशन को लेके जो कि रिफर किया गया है स्टेटूटरी अथॉरिटी के द्वारा जो रोल है कंपटीशन कमीशन का रेगुलेट करने के लिए और अचीव करने के लिए जो पॉलिसी गोल है कंपटीशन का इसके बारे में हम समझे तो ये गारंटी करता है कि कोई भी इंटरप्राइज जो है वो एब्यूज़ ना करे अपने डोमिनेंट पोजीशन का कंट्रोल करके सप्लाई को मैनुपलेट परचेस प्राइस और एडोप्ट प्रैक्टिस को जो कि डिनाई करे मार्केट एक्सेस को दूसरा कंपटीशन फर्म के लिए तो ये उसको देखता है जैसे कि ये इम्पोज करता है पेनल्टी को अभी हाल ही में किया था बी के ऊपर जिन्होंने एब्यूज़ किया था अपने डोमिनेंट पोजीशन को सी ने पेनल्टी लगाया था 522 मिलियन 7.6 मिलियन यूएस डॉलर का बी के ऊपर 2019 में जो उन्होंने मिस किया था अपने डोमिनेंट पोजिशन को ये सिक्योर करता है इंटरेस्ट को कंज्यूमर का और इंश्योर करता है कि जो वेलफेयर है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जैसे कि आपका इन्होंने प्ले किया था एक एक्टिव रोल को प्रिवेंट करने के लिए कर्टिलाइजेशन के खिलाफ टेलीकॉम सेक्टर पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था एक प्रोब को फंक्शनिंग को लेकर सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जब एक कंप्लेन फाइल किया गया था रिलायंस जियो के खिलाफ कर्टिलाइजेशन को लेकर इसके राइवल भारतीय एयरटेल वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के लिए द्वारा ये इंश्योर करता है कि जो फॉरन कंपनी है वो पालन करे कंट्री के कंपटिशन लॉ का जैसे कि इसने ऑर्डर किया था एक एंटी ट्रस्ट प्रोप को गूगल के खिलाफ कि वो एब्यूज़ कर रहा है अपने डोमिनेंट पोजीशन का एंड्रॉयड के खिलाफ ब्लॉक करता है वो उसके मार्केट के राइवल को प्रिवेंट करता है कार्टिलाइजेशन को जैसे कि इतने प्रिवेंट किया था कार्टिलाइजेशन को सीमेंट कंपनी के ख़िलाफ़ सीसीआई ने इम्पोज़ किया था एक फाइन को 63.07 बिलियन 910 मिलियन डॉलर का लेवन सीमेंट कंपनी के ऊपर कार्टिलाइजेशन को लेकर जून 2012 में जो कंपटीशन एडवोकेसी को अंडरटेक करता है क्रिएट करता है पब्लिक अवेयरनेस को और इम्पार्ट करता है ट्रेनिंग को कम्पटीशन इश्यू को लेकर यह इंश्योर करता है कि स्मूथ अलाइनमेंट हो सेक्टोरल रेगुलेटरी लॉ का और कम्पटीशन लॉ का ये इंश्योर करता है कि प्रोएक्टिव एंगेजमेंट और सारे स्टेक होल्डर का जिसमें कि कंज्यूमर इंडस्ट्री गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जोरिस्टिक्शन सब आएंगे जो रिसेंट कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है 2022 का जिसने इंक्रीज कर दिया इसकी एफिशिएंसी को इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इम्प्रूव करने के लिए रेगुलेटरी सेटअप को इंक्रीज़ करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अकाउंटेबिलिटी को जो कि इसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इन्फोर्समेंट को एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है की चेंजेस मेड इन द बिल जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया इस बिल में जैसे कि इंक्रीज़ किया गया है ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा मजबूत किया गया है अकाउंटेबिलिटी को जो बोर्ड है वो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे सुपरवाइज़ करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्टिविटी को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मैंडटरली इश्यू करेंगे पेनल्टी गाइडलाइंस को और वो रीज़न देंगे अगर कोई डाइवर्जेंस होता है तो इन्फोर्समेंट एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो इंगेज रहेंगे जो स्ट्रक्चर नेगोशिएशन है पार्टीज़ के साथ और वो अराइव करेंगे एक म्यूचुअली वर्केबल सोल्यूशन की ओर ताकि जो है गो थ्रू लैंडी फॉर्मल प्रोसीडिंग ना रहे लिमिटेशन की अगर इनकी हम बात करें तो ये जो बिल है वो कोशिश कर रहा है कि एड्रेस किया जा सके कंपटीशन कंसर्न को डिजिटल मार्केट में जैसे कि जो मर्जर कंसर्न है डिजिटल मार्केट को लेकर इंटाइटिस के बीच में जिसका सिग्निफिकेंट एसेट या टर्नओवर को लेकर प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट जैसे कि फेसबुक व्हाट्सअप को हुआ उस तरीके से डिसीजन लेने का कोशिश किया जा रहा है कोई भी इफेक्टिव क्लॉज जो है रेगुलेशन को लेकर एंटी कंपिटिटिव कंडक्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म है फिलहाल नहीं है इनिशिएटिव टेकन बाई कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एड्रेस न्यू एज चैलेंजेस जो इनिशिएटिव लिया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि एड्रेस किया जा सके न्यू एज चैलेंजेस को जैसे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनहेंस किया एफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेशन का और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जिसके कारण रिड्यूस हुआ है जो समय लगता था इन्वेस्टिगेशन में और डिसीजन लेने में इसका फ़ायदा अल्टीमेटली ये निकला कि इसने इंप्रूव कर दिया ओवरऑल एफिशियंसी को एड्रेस किया इसने डिजिटल इकोनॉमी चैलेंजेस को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है स्क्रूटेनाइजिंग प्रैक्टिसेस को जैसे कि प्रिडेटरी प्राइसिंग या डाटा मोनोपोलाइजेशन हो गया जो कि किया जाता है बड़े बड़े जाइंट के द्वारा डिजिटल इकोनॉमी में ताकि इंश्योर किया जा सके फेयर कंपटीशन को रोका जा सके मार्केट डिस्टोशन को रेगुलेटिव फ्रेमवर्क इवोल्यूशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है अपने रेगुलेटिव फ्रेमवर्क को ताकि वो रोबस्ट और फ्लेक्सिबल रहे साथ साथ एमर्जिंग मार्केट के डायनमिंग के साथ अलाइन करे और तैयार करे खुद को पोटेंशियल फ्यूचर चैलेंजेस के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो सी सी आई एक्टिवली कोबेट कर रहे हैं ग्लोबल इनटाइटिस के साथ वो इंगेज है नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव को लेकर और काम कर रहे हैं एक साथ हार्मोनाइज करने के लिए जो रेगुलेशन है उसके लिए ताकि इंश्योर किया जा सके इफेक्टिव इन्फोर्समेंट को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स में इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इन्हेंस कर रहा है अपने एफर्ट को और रिच को टेक्नोलॉजिकल न्यूट्स को लेकर न्यू डिजिटल इराक के लिए और वो इंश्योर कर रहा है कि ये जो मार्केट है वो फेयरली इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली उपयोग हो बेनिफिट के लिए कंज्यूमर का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एलिमिनेट करते हैं जो प्रैक्टिस है एडवर्स कंपटीशन को लेके ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ रेट को मार्केट में प्रमोट करता है और सस्टेन करते हैं कंपटीशन को प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को कंज्यूमर का ये ओपिनियन देता है कंपटीशन इश्यू को लेकर यह अंडरटेक करते हैं जो कैपिटल कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्पटिशन एडवोकेसी है उसको नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बम्बू कम्पोज तो हम जानेंगे पी आई बी के मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में तभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जो हुआ था उस दौरान नो हाउ टेक्नोलॉजी एंड बम्बो कम्पोजिट अल ट्रांसफर इसके बात की गई बंबू कम्पोजिट होता है क्या तो बम्बू कम्पोजिट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसको डेवलप किया जा रहा है उपयोग करके एन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक का ये इन्वॉल्व करता है प्रोसेसिंग बम्बू जो कि एक नेचुरल और वर्सेटाइल रिसोर्स है बम्बू को डिक्लेयर किया गया था एक ग्राफ के रूप में जो कि मेट्योर करता है तीन से चार साल में जो कि इसको एक रैपिड और सस्टेनेबल सोर्स बना रहा है ये जो टेक्नोलॉजी है ये इन्वॉल्व करता है कटिंग बम्बू पोल्स को स्प्लिट किया जाता है उनको रिमूव किया जाता है नॉट को ट्रीट किया जाता है केमिकली प्रोटेक्शन के लिए ताकि कन्वर्ट किया जा सके उसको फाइब्रस फॉर्म पे और फाइनली क्रिएट किया जाता है कंपोजिट मटेरियल को कॉम्पैक्शन के रूप में हीट और प्रेशर के अंडर ये जो कंपोजिट होता है वो रिसेम्बल करता है टिक उड के जैसा ये ऑफर करता है ड्यूरेबिलिटी को और डायमेंशनल स्टेबिलिटी को हाई स्ट्रेंथ फायर रजिस्टेंट और नेचुरल अपियरेंस को इसका उपयोग किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए जैसे कि पैनल बोर्ड बीम पिलर डोर और भी बहुत सारे चीज़ को तैयार करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिशनल बुफेलो फाइट मोहजूट तो जो ट्रेडिशनल बुफेलो फाइट है मोहजूड इसके बारे में हम जानेंगे कहाँ पर होता है क्या है सब समझेंगे आसाम गवर्नमेंट ने री इंस्टेट किया है ट्रेडिशनल बुफेलो फाइट मोजूस को नाइन ईयर याटस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था सिमिलर इवेंट जैसा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में था उसी के जैसा ये जो इवेंट है ये आपका ओहडगुरी नागांव डिस्ट्रिक्ट में होता है जिसका मकसद था रिवाइव करना आसाम के कल्चर के ट्रेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले आउटलोड कर दिया था इस टाइप के इवेंट को लेकिन मई में प्रवियस ईयर क्या हुआ अपेल किया गया अमेंडमेंट को जो कि अलो करता है ट्रेडिशनल बुल फाइट को कुछ स्टेट में तो इसको भी अलाव कर दिया गया है ये कहाँ पर होता है तो आसाम में मोजूज इट वॉज इंट्रोड्यूसड बाई थर्टीथ अहोम किंग्सम Swarup Rudra Singh, nearly 200 years ago, and is celebrated as a sport in Ahadguri district Magbihu, a significant harvest festival in Assam, held in January-February. The popular fight tournament in Ahadguri have been a tradition since 1972. दिस इवेंट इज़ पार्ट ऑफ़ कल्चरल सेब ऑफ मगबाहू जो मोज चूज है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो थर्टीथ अहोम किंग थे स्वर्गदेव रुद्रज सिंह नियरली टू हंड्रेड ईयर अगो और इसको सेलिब्रेट किया जाता है एक स्पोर्ट्स के रूप में अहदगुरी में मऊ बिहू के दौरान जो कि एक सिग्निफिकेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है आसाम का जो कि आपका जनवरी फरवरी के समय में होता है ये जो बुफेलो फाइट टूर्नामेंट है अहदगुरी में ये एक ट्रेडिशन है नाइनटीन के बाद से ये जो इवेंट है ये पार्ट है कल्चरल का का वाइल्ड बुफेलो बुबालूस आर्नी ये प्राइमरी इनहेबिट है एलोबियल ग्लासलैंड मार्से वाम्प और रिवर वैली के लिए इनको इनडेंजर कैटेगरी में रखा गया है आई के रेड लिस्ट में शेड्यूल वन में ये आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के और इसको इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स थ्री में साइड के प्रीवेंशन ऑफ क्रोवेलिटी टू तो एनिमल एक्ट जो है नाइनटीन सिक्सटी का ये एक एक्ट है जो कि रोकता है इनफ्लिक्शन को अननेसेसरी पेन या सफरिंग का एनिमल के लिए और ये अमेंड करता है जो दो लॉ है आपके जो कि रिलेटेड है प्रिवेंशन को लेकर के लिए एनिमल का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेज ए नागाराज टू थाउजेंड फोर्टीन केस जब का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और वर्सेज ए नागाराज टू थाउजेंड फोर्टीन का केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था उपयोग को बुल और बुलोंक का इंटरटेनमेंट एक्टिविटी के लिए जैसे कि जल्ली कट्टू हो गया बुलोक का ट्रेसिंग हो गया और भी कुछ जो इवेंट थे लेकिन बाद में जल्लूकट्टू को एग्जेम्प्ट किया गया प्रिवेंशन ऑफ क्रिवेलिटी टू तो एनिमल एक्ट नाइनटीन सिक्सटी से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा येलो रस तो हम जानेंगे येलो रस के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेट और वॉल्ली रिसर्च जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वेट फार्मर से कि वो विजिलेंट रहे येलो रस के खिलाफ जो कि पेस्ट है हिस्टोरिकली अपियर होता है कुछ डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा का इस पीरियड के दौरान येलो रस एक फंगल डिजीज़ है जो कि एडवर्सली वर्सली इम्पैक्ट करता है वेट के क्रॉप्स के ऊपर ये क्रिएट करता है येलो स्ट्रिप्स को लिप के ऊपर ये हिंडर करता है फोटोसिंथेसिस को जिसके कारण ग्रेन का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है टिपिकली ये प्रिवलेंट करता है कूल cool वेदर में नॉर्थ नॉर्थन और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में अभी जो कॉम्बिनेशन हुआ है आपका रेन टेम्परेचर राइज और ह्यूमिडिटी का ये क्रिएट कर रहा है एक फेवरेबल कंडीशन को येल्लो रस के डेवलपमेंट के लिए इस कारण वार्निंग इश्यू किया गया है अगर येल्लो रस को ऑब्जर्व किया जाता है तो रिकमेंड किया जाता है मिजल्स को जिसमें कि स्प्रे करना फंगेसाइट जैसे कि प्रोपिकोना जॉल और कैबिकोनाथ जॉल हो गया इसको स्प्रे किया जाता है ताकि रोका जा सके इसके स्प्रेड को और ज़्यादा एडवाइजरी जो है वो फोकस कर रहा है कि उपयोग किया जाए अल्टरनेट फंगेसाइट का अगर जो इसको अप्लाई किया गया था लास्ट ईयर पर पे, स्पेशली ड्राई कंडीशन में ताकि इसको रोका जा सके नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियर बैटरी तो हम जानेंगे न्यूक्लियर बैटरी के बारे में चाइनीज़ स्टार्टअप जो है कौन सा बेटा वोल्ट उन्होंने डेवलप किया है एक न्यूक्लियर बैटरी को जो कि प्रोड्यूस कर सकता है पावर को 50 इयर्स तक बिना चार्ज के तो किसने किया है कौन सी कंपनी है तो चाइनीज स्टार्टअप कंपनी बेटा वोल्ट इन्होंने डेवलप किया है एक न्यूक्लियर बैटरी को ये प्रोड्यूस कर सकती है पावर को फिफ्टी ईयर तक बिना चार्ज के ये जो बैटरी है वो स्मॉलर है साइज में कॉइन के ये कंटेन करता है सिक्सटी थ्री न्यूक्लियर आइसोटोप को और ये कन्वर्ट करता है रेडियो

जैसे कि आपका दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है ये डिपेंड नहीं करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर पावर जनरेशन के लिए इसके अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस बैटरी विथ वन वाट ऑफ पावर बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एंड सीज एप्लीकेशन इन एरो स्पेस एआई इक्विपमेंट मेडिकल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर सेंसर ड्रोन एंड माइक्रो रोबोट द न्यूक्लियर बैटरी इज फायर रेजिस्टेंट जग प्रूफ एंड ऑपरेशनल इन टेम्परेचर फ्रॉम माइनस सिक्सटी डिग्री टू वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस जो कंपनी है वो प्लान कर रही है कि वो प्रोड्यूस करेगी बैटरी को वन वॉट पावर के कैपेसिटी का 2025 तक और वो देखेंगे इनके एप्लीकेशन को एरोस्पेस एआई इक्विपमेंट मेडिकल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर सेंसर ड्रोन और माइक्रो रॉपट जैसे फील्ड पे ये जो नेक्युलर बैटरी है आपका ये फायर रेजिस्टेंस जर्क प्रूफ और ऑपरेथल रख सकता है जो टेम्परेचर है माइनस सिक्सटी से प्लस वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तक जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनाता है डैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक थैंक यू एंड हैव एवे नाइस डे